नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जनरली मैं आपको बता होगा, देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर। वाटर दो टाइप्स का होता है, एक सॉफ्ट वाटर और दूसरा हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वाटर विच प्रोड्यूस सफिशियंट फोम विद सोप। एंड हार्ड वाटर इज दैट सैंपल ऑफ वाटर which does not produce sufficient foam with soap। तो क्या होता है भाई, आपका जो सॉफ्ट वाटर होता है वो क्या करता है, साबुन के साथ बहुत ज्यादा झाग बनाता है, फोम बनाता है जब आप लोग कपड़े धोते हैं। लेकिन अगर आपने देखो होगा, हार्ड वाटर अगर होगा और आप जैसे ही कपड़े के ऊपर साबुन लगाते हैं तो वो साबुन क्या करता है, फोम ही ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब जो पानी आप वहां पे यूज कर रहे हैं वो हार्ड वाटर है। वो कौन सा पानी है? हार्ड वाटर। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? तो लिखिए भाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? अभी बताइए, हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से आयन? हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड आयन्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप जेई का एग्जाम देख लो चाहे नीट का एग्जाम देख लो, पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरी पार्ट है, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता होगी तभी कर पाएंगे वहां। तो हार्डनेस किस किस की वजह से होती है? बाइकार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड। अबे बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड किसका हो सकता है? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम का सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम का सल्फेट हो सकता है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? और इन जनरल अगर हम बोले तो इनमें से कोई भी पॉलीवेलेंट आयन हो सकता है। तो इनमें से कोई भी पॉलीवेलेंट आयन हो सकता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, हार्डनेस दो टाइप्स की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस, तो फर्स्ट है आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई, हार्डनेस के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से हो सकती है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है अभी? कौन से आयन की वजह से होती है? बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है अभी? सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो आपका पानी होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक हार्ड वाटर होता है एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर क्या हो, कौन सा पानी होता है जो सोप के साथ फोम प्रोड्यूस करता है, और जो सोप के साथ सफिशियंट फोम नहीं बनाता है उसको हार्ड वाटर बोला जाता है। अब हार्डनेस का रीजन क्या है? तो हार्डनेस का जो रीजन है वो है आपके पास बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड के कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। अब अगर हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करें तो दो टाइप्स की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी होती है एक परमानेंट होती है। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? यह होती है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इन हार्डनेस को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? यहां से ये पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में और ज्यादा डिटेल में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में मिलेगा भाई। तो मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भाई दो मेथड है। फर्स्ट है बाय बॉइलिंग वाटर सैंपल, अगर आप जो भी पानी जिसमें हार्डनेस है उसको बॉइल करेंगे तो जो भी टेम्पररी हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आपने क्या कर दिया? बॉइल कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहां पे? ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हो जाएगा इनसॉल्युबल कार्बोनेट के अंदर, प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस पानी आपके पास यहां पे बच जाए। अब देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है आप क्या करेंगे? इस पानी को फिल्टर करेंगे। ठीक है, फिल्टर करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वहां से निकल जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा? वहां पे पानी का सैंपल रह जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? MgCO3 के प्रेसिपिटेट प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, प्लस आपके पास पानी बच जाएगा।
इस पानी में मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट होंगे, तो आप इसको फिल्टर कर लीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे पानी आ जाएगा। सेकेंड, बाय हीटिंग विथ क्यूक लाइम एंड स्लेक लाइम, और इस मेथड का भी नाम भी है, बता सकता है क्या नाम है इस मेथड का? अभी क्लार्क प्रोसेस। हाँ, ये पूछा जा चुका है, क्लार्क प्रोसेस, ये नेम से पूछा गया अभी, ठीक है। तो इन दिस मेथड लिख लेंगे भाई इसमें, इन दिस मेथड द गिवन वाटर सैंपल इज ट्रीटेड विद, इन दिस मेथड द गिवन वाटर सैंपल इज ट्रीटेड विद CaO क्यूक लाइम जिसको बोलते हैं, एंड CaOH होल्ड वाइज विच कन्वर्ट सोलुबल बाई कार्बोनेट इंटू इनसोल्युबल कार्बोनेट। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास जो वाटर सैंपल है उसमें कैल्शियम बाई कार्बोनेट के आयंस है, तो मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट करा किसके साथ, CaO के साथ। जब मैंने इसको CaO के साथ रिएक्ट करा तो ये प्रोड्यूस कर देगा यहां पे CaCO3 के प्रेसिपिटेट प्लस पानी, और ये मैंने आपको ऊपर बताया ही कि इस पानी में से इसको कैसे निकालेंगे, फिल्टर कर लीजिए तो आपके पास पानी रह जाएगा, प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा। इसी तरह CA कैल्शियम बाइकार्बोनेट के आयंस को हम CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो यहां पे भी क्या बन जाएगा आपके पास, यहां पे बन जाएगा CaCO3 के प्रेसिपिटेट प्लस पानी। तो आपके पास जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है पानी के अंदर, उसको आप दो मेथड से रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट, आप उस पानी के सैंपल को बॉइल कर दीजिए। सेकेंड, उस पानी के सैंपल को या तो CaO के साथ रिएक्ट कराइए या CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट कराइए, तो वहां से जो भी टेम्परेरी हार्डनेस होगी वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट है भाई आपके पास परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव बाय कौन सा मेथड है भाई, वॉशिंग सोडा मेथड, दैट इज Na2CO3 के साथ उस पानी के सैंपल को ट्रीट कर दीजिए। जैसे CaCl2 और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, क्लोराइड और सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इसमें आप लोग डाल दीजिए Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो आपने क्या करा, इसको रिएक्ट करा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये Na और Cl रिप्लेस करके सॉल्ट बना देंगे टू NaCl प्लस, और क्या बन जाएगा आपके पास यहां पे CaCO3।
क्लियर है सबको? तो इस मेथड से जो भी परमानेंट हार्डनेस होती है उस पानी के, उस वाटर के सैंपल के अंदर आप सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दीजिए। तो सोडियम कार्बोनेट ऐड होते ही जो परमानेंट हार्डनेस होगी पानी की वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए यहां पे मैग्नीशियम का सल्फेट है और इसमें आपने Na2CO3 डाल दिया, तो यहां पे क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस MgCO3। अब ऐसा भी हो सकता है भी किसी पानी के अंदर दोनों परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट हो, तो उस हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाएगा? है भी बताओ। इफ मान लीजिए आपके पास कोई एक पानी का सैंपल है जिसमें परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस दोनों है, तो आप कैसे उस टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को, मतलब आपका जो पानी का सैंपल है उसमें दोनों हार्डनेस है, टेम्परेरी भी है और परमानेंट भी है, तो आप कैसे रिमूव करेंगे उस परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस को उस पानी के सैंपल में से? बताओ भाई, बोलो भाई जल्दी से। इफ एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी आप लोगों ने भाई, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो कभी कभी। इफ बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस आर प्रेजेंट देन इट इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग द वाटर सैंपल विथ NaOH। तो आप क्या करेंगे उस पानी के अंदर वही NaOH डाल देंगे, तो NaOH दोनों टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले मान लीजिए टेम्परेरी हार्डनेस है, तो टेम्परेरी हार्डनेस कैसे खत्म होगी? आपने NaOH डाल दिया इसके अंदर, तो जैसे ही आपने NaOH डाला तो यहां पे बन जाएगा आपके पास CaCO3 प्लस Na2CO3। देखो जैसे ही आपने NaOH डाला उस पानी के अंदर तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा? जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा। देखो यहां पे पहले NaOH जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट है उनके साथ रिएक्ट करके यहां पे Na2CO3 प्रोड्यूस करेगा, और फिर ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के साथ। तो पहले टेम्परेरी हार्डनेस खत्म हो जाएगी, फिर परमानेंट हार्डनेस भी खत्म हो जाएगी, प्लस और क्या बन जाएगा अभी यहां पे Na2CO3 प्लस पानी। फिर ये जो Na2CO3 है अगर वहां पे परमानेंट हार्डनेस है तो रिएक्ट करेगा, मान लीजिए यहां पे मान लीजिए CaCl2 की वजह से परमानेंट हार्डनेस है, तो ये Na2CO3 क्या करेगा? CaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पे क्या बन जाएगा? CaCO3 प्लस NaCl। जो भी रिएक्शन है आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यहां पे आपके पास 2S2 होगा। तो अगर आपके पास किसी पानी के सैंपल में परमानेंट हार्डनेस है तो उस परमानेंट हार्डनेस को आप कैसे रिमूव करेंगे? उसको वॉशिंग सोडा के साथ आप रिएक्ट करेंगे, जो भी आपके पास गिवन सैंपल है।
उस पानी के सैंपल में से वो परमानेंट हार्डनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पानी का सैंपल है जिसमें टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों है, तो आप क्या करेंगे, उस पानी के सैंपल को एनएमएस के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है भाई। कुछ और भी मेथड है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के, आपकी एनसीईआरटी में है, आप उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, सम अदर मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो सम अदर मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो सबसे पहला मेथड है भाई यहां पे कैलोजन, और ये कैलोजन क्या होता है भाई, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, एक बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका, कोई बता सकता है मुझे? हैवी सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला बता सकता है कोई मुझे? Na6P6O18। हाँ यही फॉर्मूला होता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Na2Na4PO3O4। तो क्या करेंगे भाई, आप जो भी गिवन वाटर सैंपल होगा उसमें सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ऐड कर दें, तो आपके पास जो भी परमानेंट हार्डनेस होगी वो रिमूव हो जाएगी यहां से। कैसे रिमूव होगी, तो क्या हो जाएगा, जो भी कैल्शियम है ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट उसको अपने साथ रिप्लेस कर दे, तो कैल्शियम की वजह से जो भी हार्डनेस थी वो क्या हो जाएगी, यहां पे खत्म हो जाएगी। तो यहां पे जैसे रिएक्शन होगा तो बन जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा यहां पे Na2CaPO4 PO3 4 6 plus 2 Na CaL। तो जो भी कैल्शियम का आयन था जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस हो रहा था उसको किसने रिप्लेस कर दिया, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ने। तो कैल्शियम का आयन रिमूव हो गया, तो यहां से परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो जाएगी। एक और मेथड है भाई जिसको आप बोलते हैं जियोलाइट, परम्यूटेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या होता है, दिस इज सोडियम एल्यूमिनो ऑर्थो सिलिकेट। Na2Al2Si2O8 × XS2 ऐसा ही फॉर्मूला आपको बड़ा सलीका मिलेगा, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम जियोलाइट बोलते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला वैसे भी लिख सकते हैं Na2ZE। ये जियोलाइट क्या है हमारे पास, Al2Si2O8 XS2। जियोलाइट के बारे में हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। ZSM5 का नाम सुना होगा आपने, कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही देगा, स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे।
क्या होगा, ये जो जियोलाइट है इसके साथ जो भी आपके पास यहां पे मान लीजिए क्लोराइड की वजह से परमानेंट हार्डनेस है, तो इस जियोलाइट के साथ रिएक्ट करके यहां पे बन जाएगा आपके पास CaZe+2NaCl। तो ये आपके पास यहां पे क्या हो गया, जो भी कैल्शियम का आयन था जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस हो रहा था उसको किसने रिप्लेस कर दिया, जियोलाइट ने। अब यहां से इस जियोलाइट को हम वापिस से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं या इसको यहां से रिगेन कैसे कर सकते हैं, आप इसमें क्या ऐड कर दीजिए, NaCl। तो वापिस से जियोलाइट अपने को यहां से मिल जाएगा, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं और इसको फिर से हम किसी अदर रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम बात करते हैं। एक और लास्ट मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। मतलब अगर इस देखो यहां से अगर जियोलाइट को अपने को फिर से किसी रिएक्शन में यूज करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो CaZe यहां पे बना इसमें NaCl डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, CaCl2+NaZe, तो जियोलाइट फिर से अपने को मिल जाएगा, तो इसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। मतलब इसको फिर से रीयूज करना हो अपने को साइक्लिक प्रोसेस, यहां से ये बना अपने पास, यहां से अगर इसको हम फिर से रिगेन करना चाहें तो इस जियोलाइट में NaCl डाल दीजिए, यहां से अपने को फिर से क्या मिल जाएगा, Na2Zd जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट। तो ये सोडियम जियोलाइट जो भी है इसको फर्दर से आप रीयूज कर सकते हैं किसी भी वाटर सैंपल की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के। नेक्स्ट है भाई हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें भी आयन को एक्सचेंज कराया जाता है इस मेथड में। नेक्स्ट है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज क्या होते हैं भाई, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। डायग्राम भाई आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, डायग्राम वहां पे बने हुई है बहुत बढ़िया से। दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैविंग जॉइंट हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो जॉइंट हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। और इस आयन एक्सचेंज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो भी कंटेनर होता है अगर आप देखें आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना होता है, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपके पास कैटायन एक्सचेंज रेज, एक होता है आपके पास कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा होता है आपके पास एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो इसमें इनसॉल्युबल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग COOH SO3H ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय
एच प्लस, उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, आर रिप्लेस्ड बाय एच प्लस नहीं भी सोडियम और मैग्नीशियम, आर रिप्लेस्ड बाय एच प्लस। तो जो भी आपके पास इन सोल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें मान लीजिए आपके पास COH ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, आर रिप्लेस्ड बाय Ca+2, Mg+2 बाय H+। तो इसमें जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं उसको H+ से रिप्लेस किया जाता है। कैसे होता है रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आपके पास उस पानी के सैंपल में ये ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल है, एसिडिक मॉलिक्यूल है RCOH, तो इसको हम रिएक्ट कर देंगे किसके साथ, Ca+2 के साथ। मान लीजिए आपका वहां पे कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस है, तो क्या हो जाएगा, ये जो H है ये CO को रिप्लेस कर देगा यहां पे और हमारे पास बन जाएगा यहां पे RCOO twice Ca+H+। इसी तरह अगर मेरे पास मान लीजिए उस वाटर सैंपल में RSO3H सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल है तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा, जैसे मैं यहां पे मान लीजिए Mg के M मैग्नीशियम सल्फेट के आ गए तो ये रिप्लेस कर देगा इसको RCOO Mg plus this. After passing this cation exchange resin, the water sample become acidic. देख लीजिए हमारा पानी का सैंपल क्या बन चुका है, एसिडिक। After passing, लिख लेंगे अभी नेक्स्ट लाइन में, after passing this cation exchange resin, the water sample become acidic. जो पानी का सैंपल है वो किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। ठीक है, क्लियर है सबको। अब उसमें क्या होगा, जो भी आपके पास इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग NH3OH ग्रुप RNH3OH ग्रुप, इसको आप लोग रिप्लेस कर देंगे इन दिस केस द आयन Ni(SO2) नेगेटिव Cl नेगेटिव आर रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव। तो इस सैंपल में एनायन एक्सचेंज रेजिन में जो भी एनायन होंगे आपके पास में इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे RNH3OH ग्रुप, इसमें जो एनायन होगा, एनायन कौन कौन हो सकता है यहां पे, सल्फेट क्लोराइड, तो इस सल्फेट और क्लोराइड के आयन को आप किससे रिप्लेस करेंगे, OH से। किससे रिप्लेस करेंगे, OH से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है आर NH2OH plus Cl नेगेटिव, मान लीजिए यहां पे एनायन कौन है, Cl नेगेटिव। यहां पे हमने कैटायन को एक्सचेंज करा, कैटायन वाले पार्ट में एनायन वाले पार्ट में हम एनायन को एक्सचेंज करेंगे, तो यहां पे ये जो OH है इस OH को हमने Cl से रिप्लेस करा दिया यहां पे, तो यहां पे बन जाएगा आपके पास R NH2 एंड Cl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी तरह अगर आपके पास यहां पे सल्फेट है SO4 नेगेटिव, तो यहां पे क्या जाएगा RNH2SO4 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, मतलब जो भी आपके पास एनायन थे उसको आपने OH से रिप्लेस कर दिया उस पानी के सैंपल में, और जो भी कैटायन थे आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के उसको आपने H+ से रिप्लेस कर दिया। तो आफ्टर पासिंग दिस कैटायन एक्सचेंज रेजिन हमारा वाटर सैंपल एसिडिक नेचर का बन चुका है। यहां पे अगर आप देखें आफ्टर पासिंग एनायन एक्सचेंज रेजिन
द वाटर सैंपल इज बेसिक इन नेचर, हमारा पानी का सैंपल किस नेचर का बन चुका है, बेसिक नेचर का। तो यहां पे देखेंगे आप, एक कंटेनर एसिडिक नेचर का हो चुका है, दूसरा कंटेनर बेसिक नेचर का हो चुका है। तो इस कैटायन एक्सचेंज से अपने को क्या मिलने वाला है, H प्लस। एनायन एक्सचेंज से रेजिन से अपने को मिलने वाला है OH नेगेटिव। तो ये H प्लस और OH रिएक्ट करके क्या बना देंगे, पानी। एंड सच सैंपल ऑफ वाटर इज फ्री फ्रॉम कैटायन एंड एनायन। ये जो यहां पे वाटर का सैंपल है इसमें ना तो कैटायन है ना ही एनायन है, और ऐसे ही वाटर को बोला जाता है डीमिनरलाइज्ड वाटर। और डीआयनाइज्ड वाटर, तो सच सैंपल ऑफ वाटर विच इज फ्री फ्रॉम कैटायन एज वेल एज एनायन इज नोन एज डीमिनरलाइज्ड वाटर और डीआयनाइज्ड वाटर। अब तो आपके पास भाई बहुत बढ़िया सिस्टम है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस होती है उसमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये सारे मेथड थे पानी को प्योर करने के, और उसमें से जो भी टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस थी उसको खत्म करने के, ये मेथड थे आपके पास। तो ये मेथड भी ज्यादा बेटर है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनका बहुत बड़े हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, कैटायन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज में जो भी आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैटायन होते हैं उनको हम सल्फेट या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उस कैटायन को हम एच प्लस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास वाटर का सैंपल होता है एसिडिक नेचर हो जाता है। सेकेंड, एनायन एक्सचेंज रेजिन में जो भी हमारे पास एनायन होते हैं, कौन कौन से एनायन हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, सल्फेट, क्लोराइड। तो इन एनायन को हम OH से रिप्लेस कराते हैं। OH से कैसे रिप्लेस कराएंगे, जो भी वाटर का सैंपल है, जो भी एनायन एक्सचेंज रेजिन है उसमें ये वाला मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो ये इन एनायन के साथ रिएक्ट करके इस क्लोराइड और सल्फेट को OH से रिप्लेस कर देगा, और ये जो वाटर का सैंपल होगा ये हमारा बेसिक नेचर का हो जाएगा। फिर यहां से H+ मिल रहा है, एनायन एक्सचेंज से OH नेगेटिव मिल रहा है, H+ और OH मिलके क्या करेंगे, यहां पे पानी बना देंगे। और ये जो पानी अपने को यहां पे मिल रहा है इट इज फ्री फ्रॉम कैटायन एंड एनायन, इसलिए इसको डीमिनरलाइज्ड या डीआयनाइज्ड पानी बोला जाता है। क्लियर है सबको? यहां से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, एक क्वेश्चन यहां पे नीट या जेई में जरूर पूछा जाता है। तो ये पूरा थ्योरी पार्ट है, डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्लियर है सबको? इसको कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं कुछ आगे। एक लास्ट टर्म हमारा बचता है यहां पे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक है भाई इसमें, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। डिग्री ऑफ हार्डनेस, और डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम ppm में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म है आपकी। तो लास्ट टॉपिक है भाई हमारे पास डिग्री ऑफ हार्डनेस, और डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ ppm।
पार्ट्स पर मिलियन, लिख लेंगे इसमें भी क्या होता है, इट इज ए स्पेशल कंसेंट्रेशन यूनिट, इट इज ए स्पेशल कंसेंट्रेशन यूनिट विच इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट इन द सॉल्यूशन, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट इन द सॉल्यूशन एंड इज डिफाइंड एज weight of solute present per million part, weight of solute present per million part by weight of solution, and it is defined as weight of solute present per million part by weight of solution. तो ppm is equal to weight of solute divided by weight of solution into per million part, इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूट का वेट तो यहां पे बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, ये जो डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो लिखेंगे नोट बना के, It is expressed in term of CaCO3, in term of CaCO3, and is defined as weight of CaCO3 present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर ऑफ सैंपल, वेट ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर ऑफ सैंपल, इसको एक्सप्रेस किया जाता है भी इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी आपसे डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछी जाए तो इसको CaCO3 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। देखिए CaCO3 की वजह से टेम्परेरी ऑफ परमानेंट हार्डनेस कुछ भी नहीं था, बाइकार्बोनेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस होता था, लेकिन जब आप डिग्री ऑफ हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो इन टर्म ऑफ CaCO3 रिप्रेजेंट। जब भी आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो तब आप इसको इन टर्म ऑफ CaCO3 में कन्वर्ट करें।
ठीक है, क्लियर है सबको। ये बहुत ही स्पेशल यूनिट है, जब आपका सॉल्यूट बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है सॉल्यूशन के अंदर, तभी पीपीएम यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो केमिस्ट्री एनवायरमेंट केमिस्ट्री है, उसमें अगर आप देखें कि कितना वाटर सैंपल की वैल्यू पीपीएम में इतनी होगी, तो आप उसको पी सकते हैं। तो वो सारी वैल्यू पीपीएम में वहां पे दी होगी। वो आपका लास्ट चैप्टर है 11th में, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो वैल्यू आप लोग एक बार जरूर चेक करें। नाइट्रेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सल्फेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फ्लोराइड की वैल्यू कितनी पीपीएम होनी चाहिए, तभी आपका वाटर सैंपल पीने आप उसको पी सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो वैल्यू जरूर चेक करें, वो एक क्वेश्चन आना ही आना है, उसमें आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, वो पूरा रट्टा एप्लीकेशन है। मैं भी कराऊंगा तो मैं भी आपको वैल्यू याद कराऊंगा, तो आप लोग पहले से उसको करें। चलो भाई, इसमें एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, लिखो सभी। प्रॉब्लम है आपके पास, 1 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, 1 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कंटेनिंग 0.002 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, 0.002 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। आगे आपसे बोल रहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस आपको कैलकुलेट करनी है। करो भाई जल्दी से और बताओ मुझे। तो क्या बोल रहे हैं भाई, 1 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, तो 1 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल दैट इज 1 किलोग्राम है, ग्राम भाई 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल मीन 1000 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कंटेन 0.002 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। 1 किलोग्राम हार्ड वाटर सैंपल में कितने मोल है, 0.002, तो आपको कितने में चेक करने हैं, 10^6 में, तो 10^6 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल में कितने मोल होंगे भाई, 0.002 डिवाइडेड बाय 10^3 इंटू 10^6 ये आ गया आपके पास, और ये हो गया कैंसल 10^3 इन 3 जीरो से ये 10^3, तो ये आ गया आपके पास भाई कितना आ गया, 2 मोल ऑफ MgCO3। लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि डिग्री ऑफ हार्डनेस को आप CaCO3 की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यहां पे किस टर्म में है, मैग्नीशियम सल्फेट की टर्म में, अभी इसी टर्म में है, तो क्या करते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए तो हम करते जा रहे हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। एक और चीज बताना चाहता हूं, यहां पे आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे, या तो MgSO4 या MgCl2
या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सबका एन फैक्टर टू है, इसका एन फैक्टर और इसका एन फैक्टर टू है, एन फैक्टर टू, इसका भी एन फैक्टर टू। इफ एन फैक्टर इज इक्वल देन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल, अगर एन फैक्टर इक्वल है तो मोल भी इक्वल होंगे, तो अगर इसके टू मोल प्रोड्यूस हो रहे थे तो सीओ सीओ थ्री के भी कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, टू ही मोल प्रोड्यूस होंगे। एन मतलब यहां पे एन फैक्टर है भाई, एक एन मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब सी ए सीओ थ्री के कितने मोल प्रोड्यूस हुए, टू मोल ऑफ सी ए सीओ थ्री। तो मोल पता चल गए तो वेट फाइंड आउट कर लीजिए, देयरफॉर वेट ऑफ सी ए सीओ थ्री इज इक्वल टू 2 इंटू इट्स मोलर मास 100, तो दिस इज 2000 ग्राम, और ये 2000 ग्राम कितने में है, 10 की पावर 6 में, मतलब दिस इज 200 ppm, 200 ग्राम कितने में थे, 10 की पावर 6 में, तो 10 की पावर 6 में मतलब दिस 200 ग्राम इक्वल टू 200 ppm, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 200 ppm। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से पूछा जा सकता है, और इक्विवेलेंट या तो आपको क्लोराइड मिलेगा या सल्फेट मिलेगा या बाइकार्बोनेट मिलेगा, उन सब का इक्विवेलेंट, उन सब के मोल इक्वल ही होंगे, क्योंकि एन फैक्टर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, सबका एन फैक्टर टू होता है, अगर एन फैक्टर टू होगा तो मोल भी टू ही होंगे सबके, मतलब यहाँ पे जो टू आ रहे हैं, और क्वेश्चन में कुछ और चेंज हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। तो ये था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं